पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। जयपुर के वैशाली नगर में मूल्यों द्वारा समाज में सद्भावना और समाज सेवा पर सेमिनार। समाज सेवियों से निस्वार्थ सेवा करने की अपील। फिल्म अभिनेत्री ग्रेसी सिंह की आध्यात्मिक प्रस्तुतियों में दिखी स्वर्णिम संस्कृति की झलक। नए भारत निर्माण का आह्वान। लुधियाना में नशा मुक्ति रैली का आयोजन। नशे के कारणों एवं निवारण के बताए उपाय। नेपाल के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से संस्था के सदस्यों ने की मुलाकात। माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। देश के कई हिस्सों में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। मूल्यनिष्ठ शिक्षा देने की अपील। ईश्वरीय संदेशों के साथ गणेश महोत्सव का आयोजन। लोगों के विघ्न समाप्त करने के लिए आध्यात्मिक शक्तियों को अपनाने की सलाह। और रूस में संस्थान की मनाई गई 25वीं सालगिरह। दादी रतन मोहिनी ने कहा, मूल्यों से ही बनेगा मूल्यनिष्ठ जीवन। अब खबरें विस्तार से। जयपुर के वैशाली नगर में प्रभु निधि सभागार में आध्यात्मिक मूल्यों द्वारा समाज में सद्भावना व सेवा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन रोटरी क्लब के अध्यक्ष सुधीर पालीवाल, संस्कृत कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सुषमा सिंघवी, जयपुर सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके सुषमा, पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीर चंद समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान सभी विशिष्ट अतिथियों ने समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली समस्याओं का मुख्य कारण मूल्यों की कमी बताया। इसके साथ ही सभी ने मूल्यों को जीवन में अपनाने के लिए राजयोग सीखने की सलाह दी। हमारा स्वभाव है उपकार करना, उसके बिना हम रह नहीं सकेंगे। हम क्रोध में ज्यादा नहीं रह सकते, ज्यादा रहे तो ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, पैरासिस हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है क्रोध। शांत हम अनंत समय तक रह सकते हैं, इसलिए ओम शांति यहाँ का परम मंत्र है। उस ओम शांति को धारण करते हुए हम अपने भीतर के आत्म तत्व को जागृत करें। तो आज आवश्यकता है अपने चरित्र को ऊंचा उठाने की, और चरित्र शुरू होता है हमारे संकल्प से, थॉट से। संकल्प बीज है, इस संकल्प को श्रेष्ठ बनाना है, और संकल्प श्रेष्ठ बनाने की विधि है राजयोग। मनी मटेरियल से लोगों को सम्मान चाहिए, स्नेह चाहिए, संबंध चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। लोग लौटने लगे हैं अपने रास्ते पर, जो हमारा आदि स्वरूप। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवा से जुड़ी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर नन्हे बाल कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोगों को भाव विभोर कर दिया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में हृदय रोग विशेषज्ञों के सम्मेलन के दौरान कई फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुकी फिल्म अभिनेत्री ग्रेसी सिंह एवं उनकी टीम ने आध्यात्मिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों की प्रस्तुतियों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इन प्रस्तुतियों में मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना की झलक साफ देखने को मिली। तेजी से युवाओं में बढ़ रहे ड्रग की लत से बचाने तथा नशा मुक्ति जागरूकता के लिए लुधियाना के एससीडी गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थियों ने रैली निकाली। इस रैली में युवा और एससीडी कॉलेज के विद्यार्थियों समेत पंजाब के प्रोफेसर हरदीप सिंह, हरिबिलास हीरा, पूरन सिंह और राजकुमार मिगलानी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
इस रैली के दौरान ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा ड्रग जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में शराब, धूम्रपान और नशे से होने वाले नुकसान के साथ पारिवारिक समस्याओं के बारे में बच्चों को अवगत कराया गया। साथ ही उनसे अपील की गई कि वे इनसे अपना बचाव करें। नेपाल के काठमांडू में जोन प्रभारी बीके राज, ब्रह्म कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने नेपाल के राष्ट्रपति रामबरन यादव, उपराष्ट्रपति परमानंद झा, शिक्षा मंत्री चित्रलेखा यादव समेत कई गणमान्य लोगों से मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात भेंट की तथा माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। देश भर में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कहीं संगोष्ठी तो कहीं सेमिनार कर शिक्षकों और छात्रों के बीच सम्मानीय संबंधों के लिए प्रेरित किया गया। हैदराबाद के हिमायत नगर सेवा केंद्र द्वारा शिक्षक दिवस पर शिक्षा में आध्यात्मिकता और मूल्यों के महत्व विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन IAS विकास राज, RVVR सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर रघुपति रेड्डी, पिछड़ा आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विश्वरैया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि, बीके हेमलता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने शिक्षा में मूल्य और आध्यात्मिकता के महत्व पर गहन चर्चा करते हुए भौतिक शिक्षा में आध्यात्मिकता और मूल्यों को शामिल करने की सलाह दी। साथ ही शिक्षकों से कहा कि बिना मूल्यों वाले शिक्षा के जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकता। Therefore, values are only the ultimate solution for a developed, for a harmonious, for a peaceful, for a righteous world, for a righteous society. कार्यक्रम के दौरान नृत्य प्रस्तुतियों से स्वागत किया गया। इसके साथ ही मूल्यों पर प्रस्तुतियां भी दी गई। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा शिक्षक दिवस पर शिक्षक, शिक्षा और समाज विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नवयुग कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शोभा सिंह, IIIT के प्रोफेसर डॉक्टर ममता आनंद, मेडिकल कॉलेज के HOD रूपरेखा चौहान समेत कई लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि किस तरह शिक्षक समाज के उत्थान व पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही सभी विशिष्ट अतिथियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। शिक्षा अपने आप में ही क्या है? सीखना, सिखाना। जब शिक्षा शब्द में ही सीखना और सिखाना जुड़ा हुआ है तो हमारा जीवन तो सीखने और सिखाने के लिए ही बना हुआ है। शुरू से कहा जाता है, चाहे वो गुरु के आश्रम में शिक्षा दी जाती हो, चाहे वो मिडिल पीरियड की शिक्षा हो या आधुनिक काल की शिक्षा हो, सीखना सिखाना ही हमारा चलता है। आज की जो शिक्षा है या शिक्षा पद्धति है, मैं समझती हूँ उतनी कामयाब नहीं। क्यों क्या कामयाब नहीं है? क्योंकि हमने उसमें नैतिक शिक्षा को, मूल्यनिष्ठ शिक्षा को जोड़ा नहीं। मध्य प्रदेश के सियोनी सेवा केंद्र पर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में वर्तमान परिवेश में शिक्षा की महत्ता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विशिष्ट अतिथि शिक्षा अधिकारी DS कुमरे, सियोनी पंचायत कोऑर्डिनेटर अरुण राय, सियोनी विद्यालय के प्राचार्य दुर्गा शंकर श्रीवास्तव, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में मूल्यों का होना जरूरी है, इससे ही श्रेष्ठ समाज की स्थापना होगी। आज इस संसार का जो विस्तार है, पूरे विश्व में समाज को उत्थान के लिए, विशेषकर हमारी जो महिलाएं हैं उनको उत्थान हेतु इस आश्रम के माध्यम से विश्व में कल्याणकारी ऐसी बहुत सी योजनाएं जो चल रही हैं वो सराहनीय कर रहे। धीरे धीरे ही सही राह पर चलना होगा, गिर गिर कर हर मोड़ पर संभलना होगा। किसी भी हालत में किसी को बदल नहीं सकते, हर हाल में खुद को बदलना होगा। ब्रह्म कुमारी संस्थान के रांची सेवा केंद्र द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला और बिहार गया सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने केक काटकर सबको बधाई दी।
कार्यक्रम में कर्नाटका बैंक मैनेजर गौरव मित्तल, समाज सेवी इंदु साबू ने भी सहभागिता की तथा ऐसे कार्यक्रमों को शिक्षकों के लिए उपयोगी बताया। सेवा केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा भी समाज में शिक्षकों की महत्ता के बारे में बताया गया। ग्वालियर के महाराजपुरा में गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर द्वारा शिक्षक दिवस पर राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्वालियर सिटी सेंटर की प्रभारी बीके चेतना और ट्रेनर बीके आशीष ने सभी शिक्षकों को राजयोग का महत्व बताकर जीवन में अपनाने की सलाह दी। इसके साथ ही आईआईपी कॉलेज के संचालिका ममता और सुरेंद्र गोयल तथा गुरुकुल कम्युनिकेशन क्लासेस के निदेशक डॉक्टर जयदीप गुप्ता को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया गया। कर्नाटक के बेलगांव में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में साइंस वैली रिट्रीट सेंटर में राजयोग शिक्षिकाओं के लिए सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सब जोन प्रभारी बीके अंबिका, मुख्यालय माउंट आबू से बीके प्रभुलिंग, बीके विजू और बीके अनीता समेत बड़ी संख्या में राजयोग शिक्षिकाओं ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बीके भाई बहनों ने उपस्थित होकर सभी को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ राजयोगी भाई बहनों ने मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना में अपना भरपूर योगदान देने का दृढ़ संकल्प किया। छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ऐसे ही बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का उद्घाटन एसबी निनावे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथियों ने बच्चों को भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा देने पर जोर दिया। इसके साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने आध्यात्मिक ज्ञान व राजयोग के द्वारा मन को सशक्त व बुद्धि को एकाग्र बनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि निनावे पीएन खत्री एवं शुभम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता ने सभी शिक्षकों को सम्मान पत्र व ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। ऐसे ही बैकुंठपुर सेवा केंद्र में शिक्षक दिवस पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक बीएस ध्रुव, जिला शिक्षा अधिकारी कामयानी कश्यप, मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसएल चावड़ा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बच्चे का निर्माण करना चाहते हैं, जो उसको बनाना चाहते हैं, अगर आप अच्छी शिक्षा देंगे तो मैं निश्चय से कहता हूँ कि जो ये न्यू जो है आप न्यू बनाते हैं, और जो न्यू अच्छी मजबूत न्यू बनाएंगे तो ये आगे जाके बहुत ऊंची बिल्डिंग बनेगी। साथ ही सूरजपुर उप सेवा केंद्र में भी शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह तथा स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कलेक्टर जीआर चुरेंद्र, सरगुजा सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके विद्या ने मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब हमारे अंदर मूल्यों का विकास होगा तभी हम दूसरों को मूल्यनिष्ठ शिक्षा दे सकेंगे। सेवा केंद्र की बीके बहनों ने आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के गेवरा में भी शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक श्री लखनलाल देवांगन, सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गेवरा के प्राचार्य श्री शांतिलाल राठौर, सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके गीतांजलि समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। विभिन्न स्कूलों से आए शिक्षकों के साथ ज्ञान चर्चा कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। ऐसे ही कटघोरा सेवा केंद्र में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कटघोरा थाना प्रभारी गोपाल वैश्य,
सेवा केंद्र प्रभारी बी के तुलसी, बी के विद्या समेत कई शिक्षकों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान सभी विशिष्ट अतिथियों ने संस्था की गतिविधियों की जानकारी ली तथा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के बारे में लोगों को अवगत कराया। जबलपुर नेपियर टाउन के शिव स्मृति भवन में शिक्षक दिवस पर शिक्षा और संस्कार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बी के भावना ने चरित्र निर्माण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में पीएसएम कॉलेज की प्राचार्य वीणा आचार्य, उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य घनश्याम सोनी समेत कई शिक्षकगण। ब्रह्म कुमारी संस्थान करनाल के असंध सेवा केंद्र द्वारा जेपीएस एकेडमी के प्लेग्राउंड में राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य मोहन सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बी के उषा, बी के मेहरचंद, फरीदाबाद सेवा केंद्र की बी के शोभा, पलवल सेवा केंद्र के बी के राजेंद्र समेत कई लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मार्च पास्ट, लंबी दौड़, हाई जंप समेत कई तरह के खेलों को शामिल किया गया। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर भी राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, 2011 ओलंपिक के इंडिया स्पेशल के चीफ कोच देवराज सिंह, करनाल के कबड्डी कोच रिटायर्ड दलेल सिंह, फरीदाबाद की बी के शोभा, चंडीगढ़ की बी के पूनम समेत कई गणमान्य लोगों को फूल देकर तथा बैच पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी विशिष्ट अतिथियों ने जीवन को भी खेल की तरह बताया। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथियों ने राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की। कार्यक्रम के अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बी के उषा ने सुरेंद्र कुमार और स्कूल के प्राचार्य मोहन सिंह को ईश्वरीय सौगात भेंट की तथा विजेता बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा दाऊजी महाराज मेले में शिव संगीत भजन निशा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी शमीम अहमद खान, उपजिलाधिकारी संजय सिंह, आईएफएस आलोक कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी उदय राम, सेवा केंद्र प्रभारी बी के सीता और सादाबाद उप सेवा केंद्र प्रभारी बी के भावना समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मा कुमारी बहनों ने तिलक लगाकर अतिथियों का सम्मान किया तथा उपस्थित लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया। कार्यक्रम में वृंदावन से विनय कृष्ण गोस्वामी एंड पार्टी ने मयूर नृत्य, राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली जैसे अनेक सुंदर झांकियों व नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों द्वारा सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने सभी विशिष्ट अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। मुंबई के मलाड सेवा केंद्र द्वारा भव्य रूप से गणपति उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बी के कुंती के निर्देशन में वीडियो शो का आयोजन कर लोगों को गणपति के आध्यात्मिक रहस्य से अवगत कराया गया। बहुत दुख अशांति बढ़ रही है, जरूर दुनिया को कुछ ठीक करने की जरूरत है। मैं दया का सागर परमात्मा शिव की संतान। लोगों को ईश्वरीय परिचय देने के उद्देश्य से इस वीडियो शो को शहर के 20 से भी अधिक स्थानों पर दिखाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने स्टॉल्स का अवलोकन कर वीडियो शो से ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। राजकोट के सत्य साई रोड में भी गणेश उत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शास्त्री नगर सेवा केंद्र प्रभारी बी के दक्षु ने 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना अभियान के बारे में जानकारी दी। साथ ही उपस्थित लोगों को सत्कर्मों के लिए प्रेरित कर उनसे फॉर्म्स भरवाए गए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया। लुधियाना में गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्री शिवा शक्ति संघ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बी के बहनों को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में लुधियाना विश्व शांति सदन की बी के सरस ने गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए लोगों से आह्वान किया कि हर कोई गणेश की विशेषताओं को अपने जीवन में उतारे और श्रेष्ठ माहौल एवं समाज की स्थापना हो सके। बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया।
छोटे बड़े बड़े काम करके कोई महान नहीं बनता। छोटे छोटे कार्य में भी हम एक दूसरे का सहयोग देके आगे बढ़ाए तो महान बन जाए। बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र द्वारा गणेश महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने गणेश की 8 शक्ति रूपी विशेषताओं के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भी शुभकामनाएं दी। नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम्। राजकोट के लक्ष्मीनगर और नारायणपुरा में महाराष्ट्र समाज द्वारा आयोजित गणेश महोत्सव में ब्रह्म कुमारी संस्थान की बीके किंजल ने गणेश के आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए ज्ञान मूर्त बनने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर गजानन की महाआरती में शामिल हुए। नेपाल के बुटवल सेवा केंद्र पर पुलिस स्टेशन एवं पश्चिम ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के अधिकारियों व जवानों के लिए सकारात्मक सोच विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सब इंस्पेक्टर एनबी कंडेल मुख्यालय माउंट आबू से बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला, बीके नरेंद्र समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान बीके भगवान ने राजयोग के जरिए संकल्पों को सकारात्मक बनाने की प्रेरणा दी। जो स्वयं की रक्षा करता है वही सारे देश की सेवा कर सकता है, देश की रक्षा कर सकता है। स्वयं की रक्षा करना आता जो हमारे अंदर बुराई, चिंता, नशा एक प्रकार के हमारे दुश्मन है, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, मनोबल अच्छा है, तब हम समाज की बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। इसके साथ ही सेवा केंद्र के भाई बहनों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीके भाई बहनों ने बीके भगवान को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर तथा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बीके भगवान ने सभी को विचारों पर अटेंशन देने की बात कही। उत्तर प्रदेश मऊ के केंद्रीय कारागार में कैदियों को मूल्यों का पाठ पढ़ाया गया। इस अवसर पर बीके विमला ने सभी कैदियों को ईश्वरीय संदेश देकर श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प कराया, साथ ही बुरे कर्म ना करने की प्रतिज्ञा भी कराई। कार्यक्रम के दौरान जेल के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। मैं आज कम से कम किसी एक नशीले पदार्थ को छोड़ने की प्रतिज्ञा करता हूँ। ब्रह्म कुमारी संस्था सिंगरौली के विंध्य नगर में CISF के अधिकारी व कर्मचारियों के लिए मन प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाराजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने तनावों के कारण एवं उसके निवारण के उपाय बताए तथा राजयोग के अभ्यास द्वारा गहन शांति की अनुभूति कराई। कार्यक्रम के दौरान बीके शिल्पी बीके नीलेश समेत कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। ब्रह्म कुमारी संस्थान के पानीपत में प्रेम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सफलता के रहस्य विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीके भारत भूषण ने विद्यार्थियों को सफल होने के सूत्र बताए तथा राजयोग द्वारा एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने की सलाह दी। कार्यक्रम में कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर SK गोयल ने इस संगोष्ठी को विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बताया, साथ ही विद्यार्थियों ने भी इस अवसर का पूर्ण लाभ लिया। यदि हम शहद की मक्खी से कुछ सीख सकते हैं तो हमारा जीवन वैसे ही बदल जाएगा। शहद की मक्खी केवल एक काम करती है, जहाँ जाती है वहीं से वो फूलों का रस चुराती है और शहद बनाती है। आज हमारे कॉलेज में ब्रह्म कुमारी की तरफ से डैडी किड्स आए थे और उन्होंने सीक्रेट ऑफ सक्सेस पे हमें बहुत बहुत अच्छे अच्छे अपने विचार जो हैं वो प्रकट किए हैं, जिसको सच में सुन के मेरे को खुद को फील होता है कि मेरे को वो स्टेप्स अपने लाइफ में लेके आने चाहिए जो उन्होंने मुझे बताए हैं। दिल्ली के RK पुरम सेवा केंद्र द्वारा मोती बाग के वुमेन सेल क्राइम ब्रांच में राजयोग प्रशिक्षण विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता, बीके मनीषा और बीके ज्योति ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को राजयोग के बारे में जानकारी दी तथा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक संतुलन के लिए राजयोग को जीवन में अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान DCP वर्षा शर्मा
और ACP OP अरोड़ा समेत कई आला अफसर मौजूद थे। मुंबई मलाड के भानु शांति सेवा केंद्र की 5वीं सालगिरह मनाई गई। इस समारोह का बोरीवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके दिव्या, मलाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती समेत कई बहनों ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। समारोह के दौरान सेवा केंद्र के उपस्थित संस्था के सदस्यों ने खुशी जाहिर करते हुए लोगों को ईश्वरीय संदेश देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से जीवन में आध्यात्मिक शक्ति अपनाने की अपील की गई। हरियाणा के करनाल सेक्टर 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल ने निर्मल सीड्स इंडस्ट्रीज के प्लांट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्लांट के मालिक एवं कर्मचारियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया गया। इस अवसर पर बीके उर्मिल, बीके मधु व बीके रामभूल समेत कई भाई बहनों ने उपस्थित होकर शुभकामनाएं व्यक्त की। मध्य प्रदेश राजगढ़ के खिलचीपुर सेवा केंद्र पर राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तेजस्विता ने शिविर में भाग लेने आए लोगों को आत्मा और परमात्मा का सत्य परिचय देते हुए राजयोग सीखने की सलाह दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम का लाभ उठाया, साथ ही राजयोग का अभ्यास करने का दृढ़ संकल्प लिया। भरूच के झाडेश्वर सेवा केंद्र में स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रार्थना हायर सेकेंडरी विद्यालय के छात्र एवं उनके माता पिता उपस्थित हुए। कार्यक्रम में सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके हेतल ने माता पिता तथा बच्चों के बीच संबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा की, साथ ही सभी से पारिवारिक सद्भावना के लिए राजयोग सीखने की अपील की। जब भी कोई बात आती है दोनों को पहले उस परिस्थिति को फेस करने के लिए अपने आप में धीरज और हिम्मत दोनों की आवश्यकता है, जिसकी कमियां बच्चों में भी है और पेरेंट्स में, और ये दोनों को चाहिए, धीरज और हिम्मत दोनों। गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र द्वारा ब्लॉसम स्कूल की शिक्षिकाओं के लिए तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल ने तनाव मुक्त रहने के लिए सकारात्मक सोच और राजयोग ध्यान को जीवन का अंग बनाने की अपील की। कार्यशाला के अंत में कई प्रतिभागी शिक्षिकाओं ने सत्र के दौरान हुए अनुभवों को साझा किया। बड़ी संख्या में शिक्षिकाओं समेत प्राचार्य मीना प्रफुल भी कार्यक्रम में उपस्थित हुई। रतलाम के शास्त्री नगर एवं डोंगरे नगर सेवा केंद्र द्वारा 2 दिवसीय तनाव मुक्त जीवन शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण करने की अपील की गई। इसे अखंड ब्रह्म मम तत्व कहते हैं, इसे मुक्ति धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रशिया में ब्रह्मकुमारी संस्थान के 25 वर्ष पूरे होने पर 25वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माउंट आबू से संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, रशिया सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके चक्रधारी, मॉस्को सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुधा एवं संतोष तथा रशिया में भारत के राजदूत PS राघवन समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि अब लोगों को आभास होने लगा है कि मूल्यों के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। राजयोग और मेडिटेशन एक ऐसी औषधि है जिससे जीवन की सभी बुराइयां मिट सकती हैं। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए।
यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।